हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल दोनों होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने विंडोज़ की घोस्ट इमेज बना पाएंगे, वो भी बड़ी आसानी से। तो मैं आपको बताता हूँ घोस्ट इमेज क्या होती है। घोस्ट इमेज एक तरह की आपकी विंडोज़ की ही इमेज होती है जो आप अभी भी बना सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आपका कंप्यूटर भी परफेक्ट चल रहा है, सारे सॉफ्टवेयर्स परफेक्ट रन कर रहे हैं, कोई वायरस नहीं है, आप चाहते हैं कि इसकी एक क्लोन इमेज बना के रख ले, ताकि आपके फ्यूचर में कभी भी विंडो करप्ट होती है तो आप इस इमेज को यूज़ करके जब भी विंडो इंस्टॉल करेंगे तो आपको वापस इसी कंडीशन में मिलेगा, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मिलेंगे, सारी फाइल आपको एज इट इज़ मिलेगी जैसे आपने घोस्ट इमेज में बनाई थी। तो घोस्ट इमेज आप कह सकते हैं एक तरह से बैकअप होता है आपकी विंडोज़ का, जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आता है। ये घोस्ट इमेज आप विंडोज़ 10, 8, 7, 11 किसी की भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम घोस्ट इमेज बनाना और उसे इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फाइल डाउनलोड करनी होगी। वो फाइल के लिए आपको गूगल क्रोम पे जाना है, उसके बाद उसकी सर्चिंग बार में लिखना है www.technic.xyz, उसके बाद एंटर करना है और उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके आपको लिखना है नॉर्टन घोस्ट। उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल आएगा, हाउ टू क्रिएट ए बूटेबल नॉर्टन घोस्ट। इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड हियर पर क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड नाउ पर। उसके बाद आपके सामने न्यू टैब ओपन होगी, यहाँ पे भी आपको नीचे आना है और डाउनलोड हियर पर क्लिक करना है और डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये फाइल डेस्कटॉप पे आ चुकी है। अब मैं इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल करता हूँ, तो आप देखेंगे डेस्कटॉप एक फोल्डर बन गया है। इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। अब इसमें एक और विनरार फाइल है, इस पर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस और एक्सट्रैक्ट हियर करता हूँ। एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक फोल्डर बनता है बूट नॉर्टन घोस्ट का। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर वो सभी फाइल्स है जो हमारी बूटेबल पेंड्राइव बनाएगा नॉर्टन घोस्ट की। अब आपको क्या करना है, रूफस को रन करना है, उसके बाद अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पेनड्राइव अटैच करनी है, उसके बाद बूट सिलेक्शन में आपको फ्री डॉस को सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। और उसके बाद आपके सामने ये वार्निंग आएगी। ये वार्निंग इसलिए आ रही है, जब भी आप अपनी पेनड्राइव को बूटेबल बनाते हैं तो वो फॉर्मेट होती है। तो अभी भी हम एक तरह से बूटेबल बना रहे हैं तो ये फॉर्मेट हो रही है। तो अगर आपका इसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप पहले ही इसको कहीं पर कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब हम इसको ओके करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुकी है, बूटेबल पेनड्राइव बन चुकी है। पर इसको नॉर्टन घोस्ट की बूटेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस फोल्डर को ओपन करना है और इस फोल्डर में जितनी फाइल्स हैं उन सभी को सेलेक्ट करके कॉपी करना है। उसके बाद आपको उस पेनड्राइव में जाना है जो हमने बूटेबल बनाई है, उसे ओपन करके यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर अगर रिप्लेस का ऑप्शन आता है तो रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो नॉर्टन घोस्ट की बूटेबल पेनड्राइव है वो बन चुकी है। अब हम नॉर्टन घोस्ट इमेज बनाना सीखेंगे, तो उसके लिए हम हमारे कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे। अब जिस भी कंप्यूटर या लैपटॉप की आपको घोस्ट इमेज बनानी है उसमें पेनड्राइव अटैच कीजिए और अपने सिस्टम को स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको जैसे सिस्टम चालू हो आपको बूट की प्रेस करनी है। बूट की सबकी अलग होती है, डेल की F12 होती है, HP की F9 होती है, लेनोवो की डिलीट या F2 होती है। तो इस तरह से आप सबकी डिफरेंट बूट की गूगल से देख के प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप बूट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। तो मैं USB स्टोरेज डिवाइस से बूट कराना चाहता हूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप ओके कीजिए। अब यहाँ पे आपको लोकल के अंदर पार्टीशन में जाना है और यहाँ पे आपको टू इमेज करना है, क्योंकि हमें इमेज बनानी है। टू इमेज करने के बाद अब यहाँ पे आपको ड्राइव सेलेक्ट करनी है जिसमें आपकी विंडोज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ही है, एक तो मेरी पेन ड्राइव है और एक हार्ड डिस्क है। तो सेकेंड नंबर की जो है उसी में मेरी विंडोज इंस्टॉल है, तो मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस हार्ड डिस्क में एक ही पार्टीशन बना हुआ है जिसमें विंडोज इंस्टॉल है, तो मैं उसे सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। अब हमें यहाँ पर पाथ चुनना है जिसमें हमको अपनी घोस्ट इमेज रखनी है। तो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी आप घोस्ट इमेज बनाएं तो कभी भी जिस ड्राइव की घोस्ट इमेज बनाएं उसे कभी भी ना चुनें। जैसे मैं अगर सी ड्राइव की घोस्ट इमेज बना रहा हूँ तो मैं उस
कि इमेज को भी सी ड्राइव में नहीं पेस्ट करूँगा, मैं कोई अदर ड्राइव सेलेक्ट करूँगा, डी ड्राइव ई ड्राइव सेलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे एक ही ड्राइव थी, उसी में विंडोज़ इंस्टॉल थी। तो मैं यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करूँगा और उसमें अपनी घोस्ट इमेज को पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं 32 GB की मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी है। उसके बाद यहाँ पे उस फाइल का नाम दे देता हूँ जिससे भी आप घोस्ट इमेज रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे न्यू 2023 नाम से सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया तो आपके सामने यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स आता है कि आप नो करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, हाई करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे फास्ट करना है, उसके बाद आप यस कीजिए और आप देखेंगे आपकी इमेज बनना चालू हो चुकी है। अब यहाँ पे जो भी टाइम लगेगा वो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपका सिस्टम कितना फास्ट है। तो मैं अब इसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है, इमेज क्रिएशन कंप्लीट सक्सेसफुली। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं आपको कंप्यूटर चला के ये पेन ड्राइव दिखाता हूँ कि वो इमेज कैसे बनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव सेलेक्ट करी थी, तो पेन ड्राइव के अंदर आप देख सकते हैं ये 4 GB के अप्रॉक्स की एक फ़ाइल बनी है न्यू घोस्ट नाम से। तो ये हमारी एक घोस्ट इमेज है। अब मैं इसी इमेज से वापस आपको इसे इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा। तो वापस आपको उसी सिस्टम में बूट ऑप्शन में USB स्टोरेज डिवाइस को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, जिस भी सिस्टम की आप घोस्ट इमेज बना रहे हैं वो उसी सिस्टम पर चलेगी, क्योंकि जब भी आप किसी विंडोज़ की इमेज बनाते हैं वो उसी हार्डवेयर के अकॉर्डिंग बनती है। तो केवल वो उसी कंप्यूटर या लैपटॉप पे चलेगी जिसकी आपने घोस्ट इमेज बनाई है, वो अदर लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं चलेगी। अब यहाँ पर USB से वापस बूट कराने के बाद आपको यहाँ पर लोकल के अंदर पार्टीशन, अब आपको यहाँ पर फ्रॉम इमेज करना है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर फ्रॉम इमेज करना है। पहले हमने 2 इमेज करी थी क्रिएट करने के लिए, अब हम फ्रॉम इमेज करेंगे इंस्टॉल करने के लिए। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट वो फाइल सेलेक्ट करनी है घोस्ट इमेज वाली। तो जैसे वो मेरी पेन ड्राइव में थी तो मैंने पेन ड्राइव को सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो फाइल आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ कीबोर्ड से और इसे ओपन करता हूँ। अब आपको यहाँ पे ओके करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ड्राइव सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको घोस्ट इमेज इंस्टॉल करनी है। अब जैसे मुझे अपनी हार्ड डिस्क में इसे इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे अपनी हार्ड डिस्क सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। उसके बाद अगर यहाँ पे भी आपकी कोई ड्राइव बनी हुई है, जैसे सी ड्राइव आपकी बनी हुई है या कोई भी अदर ड्राइव बनी हुई है, तो उसे आप सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, प्रोसीड विथ पार्टीशन रिस्टोर, डेस्टिनेशन पार्टीशन विल बी परमानेंटली ओवरराइटन। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे यस किया तो आपकी जो भी उस ड्राइव के अंदर जो भी फाइल्स थी वो फॉर्मेट हो जाएगी और वो रिस्टोर नहीं हो पाएगी। तो अभी जैसे मुझे इसे इंस्टॉल नहीं करना है तो मैं नो करूँगा। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यस कीजिए और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे नहीं करनी तो मैं नो करता हूँ और वापस बैक आ जाता हूँ। तो इस तरह से आपने सीखा कैसे आप नॉर्टन घोस्ट की बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, उस पेन ड्राइव से आप अपनी सिस्टम या लैपटॉप की घोस्ट इमेज बनाते हैं और उसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।